शंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के क्षेत्र छात्राओं ने मंडी धनौरा स्थित शाहपुर मशरूम उत्पादन इकाई का भ्रमण करके मशरूम के उत्पादन की तकनीक को बारीकियों से समझा। छात्र छात्राओं ने मशरूम उत्पादन इकाई के हेड काबेंद्र सिंह से मशरूम उत्पादन का समय, तापमान, आर्द्रता, सिंचाई का समय और तुड़ाई के तरीकों के बारे में पूछा। कैसे पहचान करे कि मशरूम तुड़ाई योग्य हो गया है, ये भी पूछा कि मशरूम कितने दिनों में तैयार होता है, अगर कोई बीमारी लग जाए तो रोकथाम कैसे करेंगे। छात्र छात्राओं ने श्री सिंह से ये भी सवाल किया कि मशरूम का लागत और बाजार मूल्य क्या है, आप तैयार मशरूम को कहां कहां बेचते हैं। मशरूम उत्पादन इकाई के भ्रमण के बाद छात्र छात्राओं के दल ने रासायनिक उर्वरक उत्पादन की इकाई फैटन मॉलिक्यूल प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया, जहां जनरल मैनेजर वीरेंद्र कुमार सिंह ने सूक्ष्म रासायनिक उर्वरक के उपयोग और इसके व्यवसाय को छात्र छात्राओं से साझा किया। एग्रीकल्चर कॉलेज के ये स्टूडेंट्स निदेशक छात्र कल्याण प्रोविसी एमपी सिंह के साथ गए। भ्रमण में कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर उपासना आदि भी उपस्थित रहे। भ्रमण करने वाले छात्र छात्राओं में अभिनंदन जैन, अपर्णा, दीपक कुमार, गुलफाम खान, हर्षित पाल, महेश कुमार, शिव कुमार, शशेंद्र यादव, निकिता गोयल, नेहा सुमन आदि शामिल रहे। इन छात्र छात्राओं ने रासायनिक उर्वरक उत्पादन की इकाई फैटन मॉलिक्यूल प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर वीरेंद्र कुमार सिंह से पूछा कि आपकी फैक्ट्री कौन कौन सा रासायनिक खाद बनाती है, आप इसको कैसे बनाते हैं, कौन सा रासायनिक खाद किसान ज्यादा प्रयोग में ला रहे हैं।